सेक्स के समय खोपरे का तेल लगाना क्या है, ऐसा कुछ लोग पूछते रहते हैं, उसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी लोग कमेंट बॉक्स में डालते हैं, चैट बॉक्स में डालते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स ऑडियो कॉल्स करते रहते हैं, और उनका कहना है कि भाई हमने खोबरे का तेल कोकोनट ऑयल जो रहता है वो सेक्स करने के समय लिंग को लगाना क्या, मसाज करना क्या, ऐसे बारे में लोगों के सवाल आते रहते हैं। लिंग को मसाज करते हैं आप, मतलब फिजिकली आप स्टिम्युलेट कर रहे हैं, फिजिकली हिला रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कोई भी तेल लगाओ, मसाज कर रहे हैं तो इरेक्शन आने वाला ही है। खोबरे का तेल लगाए तो भी आएगा, और कुछ तेल लगाए तभी आएगा। इतने आपको देखना है कि जो भी तेल वापर रहे वो अच्छा हो, शुद्ध तेल हो, उसमें से इन्फेक्शन लिंग को ना हो। समझो आप वो ऑयल जो है वो बॉईल करके लेते हैं समझो, ताकि उसमें के बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, वो हो जाएगा तो वो अच्छा है। खोबरे का तेल वापर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हम जो ऑयल देते हैं या ऑइंटमेंट देते हैं, मैं जो लिखता हूँ लोगों को प्रिस्क्राइब करता हूँ देता हूँ, वो ऑइंटमेंट में अश्वगंधा शिलाजीत ऐसी काफ़ी आयुर्वेदिक द्रव्य रहते हैं, दवाइयाँ रहती है, और वो दवाई का जो तेल बना हुआ रहता है लवंग रहती है, तो वो दवाई का यदि तेल है तो उसमें डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होता है। तो वो आप वो दवाई जो हम देते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप ले सकते हैं, वो ऑयल लेके उससे मसाज कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं होगा तो आप खोबरे के तेल का भी वापर करके मसाज कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि चमड़ी जो है वो ग्लांस पेनिस के ऊपर सामने तक चमड़ी आती है और पीछे होती नहीं है, पीछे होती नहीं है, पीछे करने की कोशिश करते हैं तो होती नहीं है, तकलीफ होती रहती है। उस समय भी लोग खोबरे के तेल का वापर करते हैं, और वो भी मतलब सुनता कुछ लोगों को डर लगता है, ऑपरेशन के लिए डर लगता है, सर्कमसीजन जिसको बोलते हैं उसको डर लगता है, फिर क्या करते हैं कि रोज़ तेल लगाना, रोज़ थोड़ी थोड़ी पीछे खींचना, तेल लगाना थोड़ी थोड़ी पीछे खींचना, ऐसा धीरे 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 किया तो कुछ दिन के बाद में वो चमड़ी पूरी पीछे खींचे जा सकती है। और वो शायद आपको पता ही होगा कि बच्चे जो रहते हैं उनको जो स्नान करने के लिए जो पुराने ज़माने में आया भाई आती थी तो वो भी ऐसी करती थी कि समझो उसका लिंग जो है बच्चे का वो यदि उसमें यदि वो चमड़ी जो है पीछे नहीं जाती होंगी तो वो भी उसको तेल लगा के पीछे करती थी। तो ये बड़े होने के बाद में भी कर सकते, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और समझो बड़े होकर आपको करना ही नहीं कुछ, ऐसा तकलीफ हो रही है, फाइमोसिस का डर है, जाके पीछे अटक गई है और फिर सूजन आ गई है, ऐसा कुछ होगा तो सर्कमसीजन करना यही उपाय है। तो इरेक्शन के लिए, लिंग में कठोरता आने के लिए तेल वापर सकते हैं, खोबरे का तेल वापर सकते हैं, या फिर हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो तेल वापर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।